हाय फिश कीपर्स, वेलकम टू ब्लेसिंग्स एक्वेरियम। फिश कीपर्स, जब भी हम ये डिसाइड करते हैं दैट हमें एक नया एक्वेरियम घर में रखना है या कभी हम अपने एक्वेरियम को अपग्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि लेट्स से मेरे पास एक टेबल है जिस पे अभी 2 फीट का एक्वेरियम है एंड मेरे नए घर में वी हैव मोर स्पेस, तो हमें एक 4 फीट का या 3 फीट का एक्वेरियम हम रखना चाहते हैं। तो इस चीज़ को जब हम अपग्रेड करने वाले होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का प्लान करते हैं, जैसे कि किस साइड में होगा, लाइट हम कैसे लगाएंगे, या उसमें प्लांटेशन हम करेंगे या सभी प्लांटेड करेंगे, या मैं ये फिश डालूंगा या मैं इस तरीके का डेकोरेशन करूंगी, बहुत सारी चीज़ें। बहुत बार हम वेबसाइट्स या यू नो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी रेफ़र करते हैं डिज़ाइंस के लिए, स्केपिंग के लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिसर्च करना ज़रूरी है अगर आप एक एक्वेरियम स्टार्ट करना चाहते हैं, या अगर आप अपने एग्जिस्टिंग एक्वेरियम को अपग्रेड करना चाहते हैं, या अभी आपके पास एक्वेरियम है उसको भी आप इन पॉइंट्स के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको रिसर्च करना ज़रूरी है, अपने आप को पूछना ज़रूरी है बिफोर यू अपग्रेड योर एक्वेरियम और एनालाइज योर एक्वेरियम। तो पॉइंट नंबर 1, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड वॉट क्वालिटी ऑफ ग्लास यू आर यूजिंग। अब आप में से काफ़ी लोग मार्केट से तो काफ़ी वाकिफ है और आपको पता है कि फिश टैंक के सेम साइज़ के प्राइसेस काफ़ी सारे वेरिएंट में अवेलेबल होते हैं। लेट्स से हम अगर एक 2 फीट के एक्वेरियम की बात करें तो 800 रुपये से स्टार्ट होकर या 600 रुपये से स्टार्ट होकर 1500-2000 तक ये वेरिएंट जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपको अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सेम डायमेंशन का एक्वेरियम और इतने सारे प्राइस वेरिएंट क्यों है। आज मैं आपको बताती हूँ कि इतने सारे प्राइस वेरिएंट उसमें क्यों होते हैं। जैसे ग्लास आप यूज करेंगे उस हिसाब से आपको कॉस्टिंग दी जाएगी। अब आप में से काफी लोग आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे तो आपको पता है कि जब एक ऑफिस डिमोलिश होता है या आप शिफ्ट होते हैं तो काफ़ी सारे बड़े बड़े विंडो पैनल्स, डोर पैनल्स होते हैं वो ऑफिसेज में, जिसको स्क्रेप में दे दिया जाता है। एंड दिस ग्लास जो कि डोर का जो ग्लास होता है दैट इज़ मतलब वो यूज़ ही होता है पार्टीशंस में, मीटिंग रूम के पार्टीशंस में या विंडोज़ में, तो ये ग्लास स्क्रेप में दिया जाता है। इसकी क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड, इसका क्लैरिटी में ध्यान नहीं दिया जाता बिकॉज उसका वो काम नहीं होता है। तो ये जब स्क्रेप के ग्लास, जो ये जो स्क्रेप में ग्लास लेते हैं इसको ये किलो के रेट से किलो में देते हैं, तो काफ़ी सारे शॉपकीपर्स या काफ़ी सारे फिश टैंक बनाने वाले लोग भी ये स्क्रेप का ग्लास परचेस करते हैं विच इज़ वेरी वेरी चीप। एंड दैट इज़ द रीज़न कि एट टाइम आपको लोकल शॉप्स में बहुत ही ज़्यादा चीप रेट में एक्वेरियम मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड जब आप एक प्रॉपर ग्लास फैक्ट्री से ग्लास मंगवाते हैं, उसका आप एक एक्वेरियम बनाकर एक कस्टमर को देते हैं, उसका फिनिश, उसका लॉन्जिटिविटी, उसका ड्यूरेबिलिटी, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा उसमें तफावत होती है एज़ कम्पेयर्ड टू दिस लोकल ग्लास। और ऐसे ही डिफरेंस होता है कटिंग में भी। एक होता है जो हैंड कटिंग होता है ग्लास का और अनादर सेगमेंट होता है विच इज़ मशीन कटिंग, उसको पॉलिशिंग हुआ है कि नहीं, या उसका मियर सिर्फ स्टोन से उसकी धार को कट किया गया है, या क्या उसका CNC पॉलिशिंग हुआ है। इस तरीके के काफ़ी सारे वेरिएंट इन्वॉल्व होते हैं एक एक्वेरियम मेकिंग में। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप मार्केट में अपने एक्वेरियम के लिए कोटेशन लेने के लिए निकले तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिए, ज़रूर पूछिए कि क्या ये ग्लास फ्रेश है, क्या ये ग्लास कंपनी से आने वाला है, क्या इसका CNC पॉलिशिंग होने वाला है, क्या इसका मशीन कटिंग होने वाला है। एंड आपको ये डिफरेंस अगर आपके पास ऑलरेडी एक्वेरियम है और आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरीके का फिनिशिंग, इस तरीके का CNC पॉलिशिंग आपको नहीं मिला है, तो देन आप समझ जाइए कि इट इज़ टाइम टू अपग्रेड योर एक्वेरियम। एक अच्छा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए लेकिन एक अच्छे शॉप से एक अच्छा एक्वेरियम लीजिए जो कि आपको लॉन्गर रन में अच्छा चलेगा, क्लियर दिखेगा एंड आपको भी एक्वेरियम हॉबी के मज़े लेने मिलेंगे। चलिए जब ग्लास की बात चली रही है तो पॉइंट नंबर 2 भी मैं इसी से एसोसिएट करती हूँ। तो ग्लास में होता है MM, जिससे हमें पता चलता है कि ग्लास की थिकनेस क्या है। बहुत सारे शॉपकीपर्स कॉस्ट एफिशिएंट करने के लिए, चीप मतलब सस्ता देने के लिए कम MM में आपको टैंक बना के दे देंगे। जैसे कि 2 फीट की अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हम पहले से 2 फीट का एग्जांपल लेते आ रहे हैं,
2 फीट का टैंक मैंने देखा है काफ़ी लोग 4 mm में भी बनाते हैं, 5 mm में भी बनाते हैं। तो जब एक ग्लास का टैंक आप 4 mm में बनाते हैं, विच इज़ सपोज टू बी मेड एटलीस्ट इन 6 mm, 5 mm एटलीस्ट, उसको जब आप एक 4 mm में बनाएंगे तो ऑफकोर्स ऑब्वियसली वो लीक होगा, या ज़्यादा दिनों तक उसका जो स्ट्रेंथ है वो नहीं रहेगा, वो लीक कर सकता है, या मे बी समडे मिडल ऑफ द नाइट क्रैक हो सकता है, या काफ़ी सारे उसके इश्यूज़ हो सकते हैं। तो जब भी आप एक्वेरियम लेने की सोचे या अपग्रेड करने की सोचे, ज़रूर ये चीज़ को देखिए कि जो mm है, जो थिकनेस है, क्या वो परफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ यू आर आस्किंग। क्योंकि काफ़ी लोग जब फिश टैंक्स बनाते हैं, कम mm में बनाते हैं, तो काफ़ी सारे सपोर्ट ग्लास पैनल्स लगा देते हैं, उससे टैंक का क्लैरिटी चला जाता है, अननेसेसरी वो ग्लास यू नो सपोर्ट पट्टी हम जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से हैवी हो जाता है टैंक, बल्कि दिखता है, एंड इट इज़ नॉट नीडेड। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालें, अगर आप एक शॉपकीपर हैं और आप भी ऐसे ही करते हैं, तो प्लीज़ मेरी सलाह मानिए, थोड़ा सा एफर्ट डालिए, अपने कस्टमर को इस चीज़ के लिए कन्विंस कीजिए कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन अच्छा mm, अच्छा थिकनेस का, अच्छा क्लैरिटी वाला, अच्छा ग्लास का एक्वेरियम उनको बना के दीजिए, इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। तो पॉइंट नंबर 3 आते हैं अब कवर पर। अब आपका टैंक तो बन गया, अब आपका ऑप्शन होता है कि कवर किस तरीके से चूज़ किया जाए। अब बहुत पुराने सदियों से चला आ रहा है जो कि इस टाइप का, इस शेप का, हट का, टिन का कवर होता है। लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों को यू नो क्या अपग्रेड्स आए हैं हॉबी में, उनको पता नहीं है, वो डेफिनेटली इस टिन के शेड के लिए जाते हैं। एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 8 महीने में रस्ट होना शुरू हो जाता है, मैक्सिमम 1-1.5 साल में पूरा रस्ट होकर ख़राब हो जाता है। इसके जो रस्ट के जो फ्लेक्स हैं, ये पानी में गिरते हैं, कभी कभी फिश के गले में अटकते हैं, ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, ऐसा होता है, दैट इज़ द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस विथ यू। तो इसको थोड़ा सा यूज़ करने से अब परहेज़ रखें, बिकॉज दिस इज़ क्लियरली नॉट रिक्वायर्ड, मतलब आज के दौर में बहुत सारे ऑप्शंस आपको आज के दौर में मिल जाएंगे। सेकंड, मैंने देखा है कि फोम शीट के कवर्स आते हैं। अब फोम शीट के कवर्स में जी हाँ, रस्टिंग का इशू तो नहीं होता डेफिनेटली, लेकिन फोम शीट के जो कवर है ना, वो पानी जाकर एक्सपांड होने लगते हैं, कभी ऊपर से यू नो डिप होने लगते हैं, एंड ओवर लॉन्गर पीरियड अगर आप देखें, उसका लॉन्जिटिविटी इतना नहीं है, तो वो ख़राब हो जाते हैं, वही 8 महीना साल भर में वो कम्प्लीटली ख़राब हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है अक्रेलिक कवर्स का। अब अक्रेलिक कवर्स में प्रॉब्लम क्या है, देखिए रस्ट तो नहीं होता, ना ही इस तरीके से पानी लगकर यू नो एक्सपांशन का उसमें इशू है, लेकिन उसमें जो हिंजेस लगते हैं, वो हिंजेस की वजह से होता है प्रॉब्लम। अगेन वो हिंजेस रस्ट होना शुरू हो जाते हैं, कुछ दिनों में आपका कवर ऊपर जाते वक्त अटकने लगता है, फिर आप उसको एक दिन ज़ोर से खोल देते हैं एंड वो टूट जाता है। ये इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप पहले नहीं हैं, ये इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ये होते रहते हैं। तो भाई अब क्या ऑप्शन हम कर सकते हैं, कि अगर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शंस में आप सोच सकते हैं एक अच्छा वुडन कवर, क्योंकि वुडन कवर में आपको ये सारे चीज़ों से आपको मतलब ये मिल जाएगा, एंड बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको वुडन कवर में मिलेगा। ऑल्सो आजकल वुडन का काफ़ी इन है फैशन, तो आपको आपका जो घर का इंटीरियर है, आपका जो रूम का इंटीरियर है, उसके एस्थेटिक्स के साथ बहुत ही अच्छे से आप उसको मर्ज कर पाएंगे। एंड अनदर ऑप्शन है कि आप अपने एक्वेरियम में ग्लास कवर भी कर सकते हैं, जिसमें आप थोड़ी सी गैप रख सकते हैं फॉर द पाइप्स, एयर पाइप या एक्सटर्नल फिल्टर के पाइप के लिए, एंड थोड़ा सा फूड वगैरह डालने के लिए भी आप उसमें गैप्स रख सकते हैं। एनीवेज आजकल टॉप लाइट का फैशन है, टॉप लाइट का ज़माना है, बहुत अच्छे अच्छे LEDs का ज़माना है, तो ये ग्लास टॉप आप ज़रूर करके देखिए। अगर आपको ये ग्लास टॉप या मैंने जैसे वुडन कवर के बारे में बताया, उसमें आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कि किस तरीके से दिखेगा, कैसे दिखेगा, तो ज़रूर आप हमें हमारे ऑफिशियल नंबर पर पूछिए, इस वीडियो के नीचे भी आप कॉमेंट कर सकते हैं, सो दैट मैं एक नेक्स्ट वीडियो ऐसा बनाऊँ जिसमें आपको ये चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँगी और एक्चुअली दिखा पाऊँगी। सो पॉइंट नंबर 4 वो है जिसमें आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और हमेशा गलती करते हैं, यानी कि चूजिंग योर फिल्टर। काफ़ी लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर अ फिल्टर जब आपको एक्वेरियम स्टार्ट करना होता है।
लेकिन अगर आप एक अच्छा फिल्टर लगाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन सिस्टम के लिए जाते हैं, तो आपका एक्वेरियम हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहेगा, आपके फिश हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, पानी से स्मेल नहीं आएगा, एंड ओवरऑल एक हेल्दी एक्वेरियम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक अच्छा फिल्टर होना। अब वेल, फिल्टर के काफ़ी सारे वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल है, तो आप अपने टैंक के हिसाब से कितना वॉल्यूम है वाटर का उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको इंटरनल फिल्टर चाहिए या आपको हैंग ऑन चाहिए, एक्सटर्नल चाहिए, टॉप फिल्टर चाहिए, या किस टाइप का फिल्ट्रेशन के लिए आप जाना चाहते हैं। लेकिन जब आप फिल्ट्रेशन चूज़ करें तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका फिल्टर उतने लीटर्स ऑफ वाटर के लिए स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 300 लीटर्स का आपका टैंक है तो फिल्टर आपका 200 लीटर्स पर आवर कैपेसिटी का है, इट इज़ नॉट गोइंग टू क्लीन। अगर आप पहले ही चीप ऑप्शन देखोगे, अगर आप पहले ही ऐसे ऑप्शंस देखोगे जो कि काम नहीं करने वाले, देन आपका एक्वेरियम कहीं ना कहीं डिज़ास्टर के रोड पर है। क्योंकि जब आप एक ऐसा फिल्टर सिलेक्ट करते हैं जिसका कैपेसिटी क्लीनिंग का कम है, तो आपके टैंक में गंदगी बढ़ती जाएगी, वाटर पैरामीटर्स चेंज होते जाएंगे, नाइट्राइट लेवल्स बढ़ते जाएंगे, स्मेल आएगा, फिश अनहेल्दी रहेंगे, काफ़ी सारे फंगल डिसीजेस हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग द फिल्टर। तो फिल्टर का जो कैपेसिटी है वो टैंक के वॉल्यूम से एटलीस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 8 टाइम्स, 6 टू 8 टाइम्स ज़्यादा होना ही चाहिए। ऑल्सो फिल्टर का जो मेक है वो आपको इस टाइप के ऊपर ध्यान रख के सोचना है कि क्या टाइप का स्केपिंग आप सोच रहे हैं। अगर आप एक प्लांटेड एक्वेरियम रख रहे हैं तो इंटरनल फिल्टर या टॉप फिल्टर के लिए बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि उसका जो प्रेशर है, फोर्स है, उससे आपका स्केप कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा। इस केस में आप हैंग ऑन फिल्टर के लिए जा सकते हैं या एक्सटर्नल फिल्टर के लिए जा सकते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्हाइल यू चूज़ योर फिल्टर। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी हमारे फिल्टर के लाइन पर ही है, लेकिन वो प्रोडक्ट है लाइट। भाई साहब, लाइट को लेकर तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट में और इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप क्या, कभी कभी तो मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। तो अगर आप एक एक्वेरियम स्टार्ट करना चाहते हैं और आप एक रेगुलर ट्रॉपिकल एक्वेरियम रखना चाहते हैं, तो आप लो केल्विन के स्पेक्ट्रम एलईडी के लिए जा सकते हैं। अगर आप एक सेमी प्लांटेड एक्वेरियम रखना चाहते हैं तो आप एक मीडियम केल्विन के स्पेक्ट्रम लाइट के लिए जा सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनली प्लांटेड एक्वेरियम रखना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केल्विन वाला स्पेक्ट्रम एलईडी चाहिए, क्योंकि आपका लाइट सनलाइट को मिमिक करेगा एंड दैट इज़ हाउ आपका प्लांटेशन ग्रो करेगा। अब इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आपने अपने टैंक में ब्राइट एलईडी जो है उसको ज़्यादा देर तक ऑन रखा तो एल्गे डेवलपमेंट के चांसेस हो सकते हैं, और कम ड्यूरेशन तक ऑन रखा तो प्लांटेशन में इशू हो सकता है। सिमिलरली अगर आपका नॉन प्लांटेड एक्वेरियम है, ट्रॉपिकल एक्वेरियम है, बायोटोप है, इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लाइट का जो ब्राइटनेस है वो सन को मिमिक करता है, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक, एक पर्टिकुलर 6 to 8 hours तक लाइट देना ज़रूरी है, एंड उसके बाद डार्कनेस भी ज़रूरी है, क्योंकि फिश के लिए वो साइकिल हेल्दी होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोग एकदम डल लाइट लगा देते हैं, एकदम डिम लाइट लगा देते हैं, उनके स्पेसिफिकली टैंक्स में आप देखेंगे कि फिश हमेशा स्ट्रेस में रहता है, ब्लैक स्पॉट्स होंगे, छुप कर बैठेगा फिल्टर के पीछे या थर्मोस्टेट के पीछे या किसी डेकोरेशन के अंदर, हमेशा छुप कर बैठेगा बिकॉज फिश हमेशा डरा हुआ रहता है। तो एक हेल्दी एक्वेरियम के लिए, अच्छे एक्वेरियम के लिए आपको एक अच्छा लाइट चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड मेजर ऑफ द लाइट ऑल्सो प्लेज पार्ट इन एस्थेटिक्स। तो अगर मानिए आपका एक लिविंग रूम है, सुंदर सा लिविंग रूम है, और उसके कॉर्नर में आपने एक छोटा सा एक्वेरियम रखा है एंड उसका लाइट बिल्कुल ही डल है, एकदम अंधेरा पड़ रहा है, इट इज़ नॉट गोइंग टू लुक गुड, इट इज़ नॉट गोइंग टू लुक नाइस। एंड ऑफकोर्स फिश के हेल्थ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, प्लांट्स के हेल्थ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको आपका लाइट चूज करना है। अगर ऐसा कोई फिश टैंक अभी आपके पास है जैसे मैं बता रही हूँ एंड आप देख रहे हैं इस वक्त कि अरे हाँ मैम जो बोल रहे हैं वो इसमें समझ में आ रहा है, प्लीज़ चेंज कीजिए, बिकॉज ये एक लिविंग थिंग है, दिस इज सपोज टू स्प्रेड पॉजिटिविटी इन योर होम, इन योर लाइफ। एंड अगर आप एक्वेरियम्स को डल रखोगे
इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क दोस्त। दोस्तों आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिस पे की वारंटी मिलती है। हम खुद हमारे फिश टैंक्स पे 5 ईयर्स का वारंटी देते हैं। तो अब ऐसे भी लाइट्स हैं जिनके ऊपर 3 ईयर्स का वारंटी है, ऐसे फिल्टर्स हैं जिसके ऊपर 3 ईयर्स का वारंटी है। तो जब भी आप अपना एक्वेरियम का पैकेज सोचें तो ज़रूर इस बात को कंसिडर कीजिए कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि वारंटी में हैं, साथ ही ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो ये प्रोडक्ट्स जिनके ये प्रोडक्ट्स हैं, और क्या ये कंपनीज के स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल है मार्केट में। काफ़ी सारी ये चीज़ें हैं जो आपको सोचना ज़रूरी है बिफोर यू नो बाय एन एक्वेरियम। तो फ्रेंड्स आई होप आज का जो वीडियो है ये टॉपिक्स आपको पसंद आए होंगे और ये जो पॉइंट्स हैं शायद कहीं ना कहीं आपके मन में भी आए होंगे और आपको भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली होगी कि आपको अपने एक्वेरियम में क्या चेंजेस करने हैं। अगर इसके अलावा इस सीरीज़ में लेकर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए एंड हम बहुत ही उत्सुकता से उसका जवाब देंगे। एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज जल्दी वापस आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग, टेक केयर एंड बाय।